तो गरीब साइंटिस्ट में सबका स्वागत है। आज हम जानेंगे उस एक्सपेरिमेंट के बारे में जिसने बेसिकली गगनयान को जन्म दिया। आज हम जानेंगे SRE-1 के बारे में। तो आप जो इमेज देख रहे हो ये मेरा 3D रेंडर SRE-1 का। SRE-1 एक हाफ अ टन मतलब 555 kg का एक कैप्सूल था जो इसरो ने स्पेस भेजा था। अब ये कैप्सूल स्पेशल था क्योंकि ये इंडिया का फर्स्ट चीज होने वाली थी जो वो स्पेस भेजेंगे और कंट्रोल रिकवरी करने वाले थे। ये चीज PSLV-C7 के ऊपर लॉन्च हुआ था January 2007 में। आप देख सकते हो नीचे सोलर पैनल्स है, 8 कुछ थ्रस्टर्स है, ऊपर आपको कुछ टाइल्स दिख रहे हैं और उसके ऊपर कोन दिख रहा है। एक बार डिटेल में बात कर लेते हैं इस चीज के बारे में। तो इसका बेस डायमीटर करीब 2 मीटर है और जो हाइट है वो 1.6 मीटर, और जो नोज कोन का वो डायमीटर है वो 0.5 मीटर का है बेस उसका। नीचे आप देख सकते हो सोलर पैनल से पावर करने के लिए 8 थ्रस्टर्स है कंट्रोल करने के लिए इस कैप्सूल को, और बीच में जो है वो हैच है पैराशूट्स के लिए और एक बलून के लिए, वो एंड में आपको बताऊंगा क्या एग्जैक्टली है। जो टाइल्स दिख रहे हैं साइड में आपको कोन के, वो सिलिका टाइल्स है। ये सिलिका टाइल्स प्रोटेक्ट करेंगे इस चीज को जब ये री एंट्री कर रहा है तभी। उसके ऊपर जो है वो कार्बन फिनोलिक का एक नोज कोन है जो काफी ज्यादा हाई टेम्परेचर सहन कर सकता है। अब ये एक्सपेरिमेंट बना ही क्यों? इस एक्सपेरिमेंट से इसरो को प्रूव करना था कि वो री एंट्री कंट्रोल्ड री एंट्री कर सकते हैं, एक हाइपरसोनिक री एंट्री कर सकते हैं, और यही नहीं जहां वो डेडिकेट यानी जहां उनका प्लान है लैंड करने का वो प्रिसाइसली लैंड करवा सकते हैं इस कैप्सूल को। तो पूरा लॉन्च से लेकर रिकवरी ऑप्शंस के लिए इससे रियूजेबिलिटी भी प्रूव करना था उन्हें, और उन्हें यह भी दिखाना था कि वो एक ह्यूमन स्पेस फ्लाइट प्रोग्राम के लिए रेडी है। क्योंकि ये सब टेक्नोलॉजी जब ह्यूमन को कैप्सूल में डालोगे तभी ये सब नीड होगा, तो जो हमारा गगनयान कैप्सूल है उसके लिए लगेगा। अब ये 2007 का बात है, मतलब 2007 में किया था एक्सपेरिमेंट, और इस कैप्सूल से निकले टेक्नोलॉजीज हम लोग ने आगे देखे भी है नई चीजों में, उसके बारे में भी आगे बात करेंगे। तो जैसे मैंने बोला January 2007 में लॉन्च हुआ, ये कार्टोसैट के साथ लॉन्च हुआ था और 2 कमर्शियल सैटेलाइट्स के साथ PSLV के ऊपर, तो एक डुअल एडाप्टर लॉन्च था वो। ये करीब 12 दिन था ऑर्बिट में। अब ये अकेला ऐसे गया नहीं, मतलब उसके अंदर 2 एक्सपेरिमेंट्स थे, एक था एक क्रिस्टल एक्सपेरिमेंट मेटल से रिलेटेड और एक नैनो पार्टिकल एक्सपेरिमेंट। अब ये दोनों एक्सपेरिमेंट उन्होंने सक्सेसफुली किया। अब मैं रिसर्च पेपर ढूंढ रहा था इसके बारे में, पर मोस्ट ऑफ देम जो इस एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड थे वो पे वॉल के पीछे थे, तो पे करना वगैरह पड़ता है, तो ये काफी इंटरेस्टिंग था। फिर जैसे ही एक्सपेरिमेंट्स हुए टाइम आया इसे डीबूस्ट करने का। डीबूस्ट मतलब क्या? मतलब जहां वो जा रहा है उसके अपोजिट फेस करके उसके जो इंजन से वो फायर किए गए, करेक्ट। फिर डीबूस्ट के टाइम फिर वापस उसने टर्न मारा और जो एंगल ऑफ अटैक है मतलब जो नोज कोन है वो फॉरवर्ड होगा, तो पूरा हीट जो है वो नोज कोन सहने वाला है। तो इसने प्रॉपरली री एंटर किया और उन्हें काफी सारे नया चीजें भी टेस्ट करनी थी। मतलब जब कोई कैप्सूल री एंटर कर रहा है और जैसे ही प्लाज्मा फॉर्म होने लगता है हीट शील्ड के ऊपर तो कम्युनिकेशन ब्लैकआउट होता है, आप कम्युनिकेट नहीं कर सकते कैप्सूल के साथ तभी। तो तभी उसमें काफी सारे टेक्नोलॉजी इंप्लीमेंटेड थी, जैसे कम्युनिकेशन ब्लैकआउट के टाइम वो सब इन्फॉर्मेशन स्टोर करेगा लोकली और जैसे ही प्लाज्मा फेज से बाहर आता है यानी वो हीटिंग फेज से वो वापस रिले करेगा वो सब कम्युनिकेशन डेटा। तो ये सब उसने सक्सेसफुली किया। उसके बाद 3 पैराशूट्स उसे सेपरेट करने थे, 2 ड्रोग शूट्स और एक मेन पैराशूट्स, वो भी उसने सक्सेसफुली किया। और फिर फाइनली बे ऑफ बंगाल में स्प्लैश डाउन हुआ उसका। स्प्लैश डाउन होते ही इसने अपना फ्लोटर डिवाइस इन्फ्लेट किया क्योंकि वो डूब जाता वरना। जैसे ही फ्लोटर डिवाइस इन्फ्लेट किया वो ऊपर आया, और काफी इंटरेस्टिंग चीज है कि जैसे ही स्प्लैश डाउन हुआ पानी में एक फ्लोरोसेंट डाई उसने डाल दिया, मतलब रिलीज किया, जिसकी वजह से हेलीकॉप्टर्स को भी इजीली ढूंढने मिलता है। वो तो एक विजुअल हुआ, ऊपर से उसने अपना बीकन भी फायर नहीं बोल सकते, बीकन टर्न ऑन किया जो रेस्क्यू बीकन होता है, जिसके कारण वो इंडियन नेवी इंडियन कोस्ट गार्ड वगैरह सब इसे लोकेट कर पाए। जैसे ही लोकेट किया हमारे सब डाइवर्स डीप डाइव किए, टेस्ट किया सब ठीक है कि नहीं, उसके ऊपर फ्लोटर्स लगाए, फिर उसे बोट के ऊपर पुल किया गया और फिर उसे वापस लाया गया इसरो में। अब ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट है और शायद लोग इसे भूल गए, काफी लोगों को पता भी नहीं होगा कि SRE-1 करके भी कुछ हुआ था इंडिया में 2007 में। वो भी इसके टेक्नोलॉजीज कहाँ यूज किए गए? पहले तो जो कार्बन फिनोलिक नोज कोन है और जो हमारे सिलिका टाइल्स है वो आपको अभी RLV के ऊपर दिखेंगे। तो जो RLV का नोज कोन है वो कार्बन फिनोलिक से बना है और जो टाइल्स है जो ब्लैक कलर के नीचे वो सिलिका टाइल्स है। तो इसके काफी सारे चीजें ऑलरेडी यूज हो चुके हैं और अभी गगनयान में जाके आगे यूज होंगे, बट शायद तभी हीट शील्ड अलग होगा गगनयान का, शायद वो पिका एक हीट शील्ड होगा, वो देखेंगे। बट मुझे ये काफी इंटरेस्टिंग प्लेटफॉर्म लगा। देखो हम अभी गगनयान लॉन्च करेंगे तब ठीक है एक्सपेरिमेंट्स कर पाएंगे उसके ऊपर, नो डाउट, पर वो काफी महंगा होने वाला और हम लिमिटेड एक्सपेरिमेंट्स भेज पाएंगे, राइट?
वो भी ऊपर से GSLV Mark III के ऊपर लॉन्च होगा, वो उतना फ्रीक्वेंटली भी न्यू होने वाला है। पर ये छोटी सी चीज़ है, 2 मीटर डायमीटर, 555 kg उस टाइम का, अगर हम इसे मॉडर्न टेक्नोलॉजीज के साथ बनाते हैं तो शायद हम इसे लाइट कर पाए, और इसे थोड़ा स्केल डाउन किया तो इसे हम SSLV के ऊपर भी लॉन्च कर पाएंगे। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ लगी मेरे को, और आई फील अगर ये प्लेटफॉर्म आज एक्टिव होता तो इंडियन इंस्टीट्यूट्स को एक अलग ही माइक्रोग्रेविटी रिसर्च का प्लेटफॉर्म मिलता, ये काफ़ी यूनिक प्लेटफॉर्म भी होता। और ऐसा नहीं है कि इसरो ने बंद कर दिया ये एक्सपेरिमेंट के बाद, उनका प्लान था SRE-2 और SRE-3 जो ज़्यादा बेटर होने वाले थे, पर वो कभी हुए नहीं, वो कैंसिल हुए, फिर वो गगनयान आ गया फोकस में, एंड देन वो कभी हुआ नहीं। तो मेरा बस क्वेश्चन आपसे यही है कि क्या ये होना चाहिए आज भी, क्या इसरो को वापस लाना चाहिए ये कैप्सूल जस्ट फॉर माइक्रोग्रेविटी एक्सपेरिमेंट, क्योंकि उतना हैवी भी नहीं है, 555 kg, 555 मतलब 555, और उतना बड़ा भी नहीं है। तो इसे थोड़ा इम्प्रूव करके, थोड़ा स्केल डाउन करके, क्या इसे एक अच्छा रिलायबल माइक्रोग्रेविटी एक्सपेरिमेंट स्टेशन बना पाएंगे, मुझे नहीं पता, आप बोलो आपको क्या लगता है। तो बस यही ये कवर करना था मेरे को, क्योंकि जिस दिन गगनयान लॉन्च होगा इंसानों के साथ तब सब खुश होंगे, पर इसे मत भूलना, ये स्टार्ट था उस प्रोग्राम का। मेंबर बनना जरूर कंसिडर करो, ज्वाइन बटन दबा के, ज्ञान की गरीबी सबसे बड़ी। जय हिंद, जय भारत। इस वीडियो के प्रोड्यूसर्स थे कार्तिकेया देवाल, वुटला चैतन्य, जयम शर्मा, रोहित सुवर्ण, हरमन संगा, नारायण प्रसाद, सुमित रणडाले, हिमांशु शंकर, गौरव बजाज, गगनदीप भाटिया, Mark VII, संदीप रामकृष्णन, वीव, वैभव त्रिवेदी, भैरव हजारिका, सचिन यादव, कुशबी मेहता, आकाश पाटिल, विक्रम वर्मा, रितु सोलंकी और द HBSC। शुक्रिया सब मेंबर्स को और सब सब्सक्राइबर्स।